इफ यू आर बिगिनर इन कोडिंग एंड सोच रहे हो कि यार कहाँ से कोडिंग स्टार्ट करें, और इफ यू आर फ्रॉम नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड एंड सोच रहे हो कि यार कंप्यूटर साइंस के बारे में एक्सप्लोर करना है, देन दिस इज द एग्जैक्ट फ्री कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड फॉर यू। और ए वाला कोर्स मैं लिया था लास्ट ईयर, एंड ए वाला कोर्स मुझे हेल्प किया था टू बिल्ड द इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस, एंड मुझे हेल्प किया था टू एक्सप्लोर अबाउट कंप्यूटर साइंस विदाउट एनी कॉलेज डिग्री। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अबाउट द करिकुलम ऑफ द कोर्स, एंड किस तरीके से तुम एक कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो, एंड किस तरीके से तुम इनका असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि असाइनमेंट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, एंड किस तरीके से तुम अगर चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी दे के, मतलब ऑब्वियसली फ्री है बट तुम थोड़ा सा मनी दे के इसका एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हो जो कि होगा फ्रॉम हार्वर्ड। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो अगर मैं बात करूँ अबाउट दिस कोर्स, तो ए वाला कोर्स है फ्रॉम हार्वर्ड और इसका नाम है CS50। ओके, तो CS50 बेसिकली हार्वर्ड का ही एक इंट्रोडक्टरी टू द कंप्यूटर साइंस वाला प्रोग्राम है, ठीक है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग भी एक्सेस करते हैं, एंड ऑब्वियसली ये फ्री होता है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस करने के लिए। तो ये वाला कोर्स बहुत आइडियल है एक कंप्यूटर साइंस डिग्री का ओवरव्यू लेने के लिए। तो अब अगर मैं बात करूँ इसका करिकुलम के बारे में, तो इसमें तुम्हें बंच ऑफ वीक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसमें तुम्हें टोटल 10 वीक्स देखने को मिलने वाला है। और पहले यहाँ पे सिखाया जाएगा स्क्रैच के बारे में, देन तुम देखोगे सी के बारे में। तो स्क्रैच बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है बट नॉन प्रोग्रामर्स के लिए बनाया गया था, ठीक है, बहुत बिगिनर फ्रेंडली एक चीज़ है और टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। देन सी सिखाया जाएगा, देन एरेस सिखाया जाएगा, देन एल्गोरिदम्स, मेमोरी, डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बेसिकली तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम भी सीख रहे होंगे बेसिक लेवल में, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख रहे होंगे सी, जो डेफिनेटली एक बहुत ही फंडामेंटल लैंग्वेज है। उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा पाइथन भी सिखाया जाएगा, देन एक डेटाबेस सिखाया जाएगा SQL, ठीक है, जो अच्छी बात है। उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का भी नॉलेज मिलेगा अबाउट HTML, CSS, JavaScript, देन साइबर सिक्योरिटी का भी नॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। देन फ्लास्क बेसिकली पाइथन का एक फ्रेमवर्क है फॉर बैकएंड डेवलपमेंट, तो ये भी वेब डेवलपमेंट का ही पार्ट है, एंड इमोजी वगैरह। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का फील, एंड थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी। तो ओवरऑल एक कंप्यूटर साइंस में क्या क्या होता है ना, तो तुम्हें पूरा मालूम पड़ जाएगा। और इसका जो मेन एक्साइटिंग पार्ट है ना, ये है इनका प्रोफेसर, ठीक है, जो प्रोफेसर है डेविड जे मलान, ठीक है, हार्वर्ड का ही प्रोफेसर है। और इनका जो एनर्जी है, जो एंथुजियम है टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस, तो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, तुम जब इनका लेक्चर देखोगे ना तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। और जो ओवरऑल लेक्चर है ना, ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी एक डॉक्यूमेंटरी स्टाइल का है, तो तुम्हें देखने का भी बहुत मजा आएगा, राइट, थोड़ा बोरिंग कॉलेज लेक्चर जैसा नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ किस तरीके से तुम इसको ऑप्ट कर सकते हो, राइट, फ्री में। तो उसके लिए तुम्हें आ जाना है इस वाले वेबसाइट में जो हार्वर्ड का ही तरफ से, एंड यहाँ पे तुम्हें वीक्स में डिवीजन में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे टोटल 10 वीक्स है, बट इसको तुम बहुत आराम से 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी वीक में जाना है, सपोज तुम वीक 1 सी पे जाओगे, पहले स्क्रैच के बारे में जाओगे, या उसके बाद सी में जा सकते हो, एंड यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा पहले लेक्चर, तो ये वाला यूट्यूब में होस्टेड है, तुम यहाँ पे पूरा लेक्चर देख सकते हो, और लेक्चर अराउंड 2.5 घंटे का अराउंड है, तो सही है। उसको तुम्हें नोट्स भी देखने को मिल जाएगा, एंड तुम्हें कुछ शॉर्ट्स भी देखने को मिलेगा, राइट, अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो ये सब टॉपिक यहाँ पे कवर्ड है शॉर्ट में। एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना, तुम किस तरीके से इनका असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हारे यहाँ पे हर में एक प्रॉब्लम सेट मिलेगा, ठीक है, हर वीक में वो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन भी होगा, कुछ ईजी लेवल क्वेश्चन भी होगा, ठीक है, तो वो तुम्हें सॉल्व करना है, तुम इस वाले पेज में आ जाओगे, एंड तुम्हें यहाँ पे जो डायरेक्शन मिलेगा ना, तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सिंपली तुम असाइनमेंट भी सॉल्व कर सकते हो, तुम लेक्चर्स भी देख सकते हो, तो एक वीक में एक वीक का लेक्चर देख लेना और असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, इस तरीके से 2 महीने में तुम ये वाला पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, एंड इट इज रियली ऑसम, ठीक है। एंड इसका एक और एडेड एडवांटेज भी है, अगर तुम चाहते हो तो इस वाले वेबसाइट में आ सकते हो, ठीक है, edx.org में, एंड इन सबका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, और यहाँ पे आके तुम ना इसका जो सर्टिफिकेशन है वो भी तुम ऑप्ट कर सकते हो। देखो ऑब्वियसली फ्री में अवेलेबल है बट ऑप्शनल अपग्रेड अवेलेबल है फॉर सर्टिफिकेशन, तो अगर तुम यहाँ पे आके एनरोल करोगे तो तुम्हें यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा हार्वर्ड की तरफ से, जो एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट होगा, तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट, ठीक है, आई डोंट नो कि इसका कितना प्राइस है, तुम यहाँ पे अगर एनरोल करोगे तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा तुम सर्टिफिकेट के लिए जाओ, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा महंगा ही होगा शायद,
तो आई डोंट नो अबाउट दैट, तुम चेकआउट कर लेना एक बार अगर इंटरेस्टेड हो तो। बट तुम एटलीस्ट ये वाला फ्री जो है वो तुम एक्सेस कर सकते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है अगर तुम कोई और फील्ड में हो या और नॉन टेक बैकग्राउंड में हो, थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस के बारे में जानना चाहते हो, या अगर तुम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये भी एक एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, लर्न इन पब्लिक। तो अगर तुम ये वाला कोर्स आज से लेने के बारे में सोच रहे हो और कोडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो अभी जाओ और अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें पोस्ट करो कि तुम ये वाला कोर्स अभी करने के बारे में सोच रहे हो, और मुझे टैग कर देना। एंड मिलते हैं कुछ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।